आगरा लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का चुनावी अभियान अभी भी जारी है। अपना चुनाव समाप्त करने के बाद वे दूसरी सीटों पर बतौर स्टार प्रचारक चुनाव के लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, पहले तो चुनाव संपन्न हुआ है, तो आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त? जीत के प्रति 100% आश्वस्त, केवल आगरा की महान जनता और मतदाताओं की बदौलत हूँ। मोदी जी के पक्ष में बहुत पूरे देश में वातावरण है, और प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता से नहीं होता है, बाया एमपी होता है, इसलिए लोग सांसदों को जिताते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। मंत्री जी, आपका चुनाव समाप्त हुआ, आमतौर पर प्रत्याशी घर पर रहते, परिवार के साथ समय बिताते, लेकिन आपका एक स्टाइल है, आज नहीं, आप 10वां चुनाव आपका है, आप चुनाव खत्म करते ही दूसरे दिन से ही प्रचार शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों? अक्सर मैं एक फोटो देखा करता हूँ, बड़ा हंसता हूँ कि प्रचार में तो रात दिन एक करते हैं और अगले दिन आप बिल्कुल शांत हैं, मसाज करा रहे हैं बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ, डॉगीज के साथ, ये फोटो आती है, मेरे को बड़ी शर्म आती है। आखिरी चुनाव हो, आखिरी राउंड के आप हों, तब तो बात समझ में आता है। आप सेकेंड राउंड के प्रत्याशी हैं, अभी 5-7 राउंड बाकी हैं, और ऐसा हो नहीं सकता। प्रत्याशी जो भी है, बगल में जाएगा तो लाभ होगा, हमारे जैसे लोगों पे तो पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। तो कल जब पूरी मीडिया ये वाली फ़ोटो चाह रही थी, तो मैं सिरसागंज में था, जसराना में मैंने पैदल चल के पूरा वोट मांगा, एका में मांगा, पालम में मांगा, फरेया में मांगा, फिर दो गाँव और करके वो आचार संहिता तक वो काम किया, फिर आचार संहिता शादियों में लागू नहीं होती है, और अब आगरा में है नहीं है, तो मैंने 13 शादियाँ भी यहाँ पर की, तो लोग चौंक रहे थे कि कल इलेक्शन था आज यहाँ। और आज अभी मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एटा में, चूँकि वो 3 बजे आ रहे हैं, तो मुझे सीधे मंच पर नहीं जाना चाहिए, उसके पहले मैं फिरोजाबाद लोकसभा के 5 गांव करूँगा, और प्राइम मिनिस्टर के प्रस्थान के बाद भी 5 गांव करते हुए वापस आऊँगा। तो जब आप लड़ें तो आप उम्मीद करें हर आदमी आपकी मदद करे, जब दूसरा लड़े तो उसको भी अपने चुनाव की तरह लेना चाहिए। कल मैनपुरी में मायावती मुलायम सिंह एक साथ मंच साझा किया, उन्होंने वहाँ से वोटर से अपील की, आप अपने चुनाव के बाद दूसरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं, गठबंधन कितनी चुनौती उत्तर प्रदेश में है भाजपा के लिए? कल का सीन राजनीतिक मजबूरी का एक पर्याय था। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुर्भिसंधियाँ हुआ करेंगी, और ये गठबंधन किसी ने कराया, ये जनता ने कराया है। जनता ने 74 MP भाजपा के पक्ष में दे दिया, बहन जी 0 पे आ गई, बूथ कैप्चर के बावजूद ये 5 केवल जीते हैं, उधर माँ बेटे ही जीत पाए कांग्रेस के, और इधर बाप बेटे भी हार गए लोकदल में, तो कांग्रेस एक भी कार्यकर्ता को नहीं जिता पाई। कांग्रेस की राहुल और सोनिया जी एक कार्यकर्ता को नहीं, सैफई परवार अपनी सीट जीत के किसी एक आदमी को यूपी में नहीं जिता पाए, बहन जी खुद भी नहीं लड़ी हो, किसी को भी नहीं जिता पाई, और लोकदल के दोनों लोग हार गए। तो स्वाभाविक बात है कि गठबंधन करेंगे, फिर जनता ने अभी 325 भाजपा के पक्ष में दिया, मैं उसका धन्यवाद दूंगा, लेकिन अगर हमारा काम 225 में चल जाता, अगर 100 में आधे आधे सपा बसपा हो जाते, तो 80-90 के आसपास अगले सरकार की प्रत्याशा में गठबंधन नहीं करते, क्योंकि 19 हैं बसपा के, 50 से कम हैं सपा के, 0 MP हैं बसपा के, 5 MP हैं सपा के, ये गठबंधन होना था, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। कल धन्यवाद देना चाहिए था बहन जी को कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन और कलराज मिश्रा के द्वारा जान बचाने पर उनको मुलायम सिंह जी के दर्शन करने का अवसर मंच पर मिला है, वरना ये अवसर भी उनको नहीं मिलता। लेकिन वाई इलेक्शन का इतिहास भी आपके सामने है, कैराना, फूलपुर और गोरखपुर, वहाँ गठबंधन जीता है, तब गठबंधन शेप में नहीं था, चुनाव चिन्ह पर मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उस समय थोड़े दिनों का एक चुनाव था, बाई इलेक्शन था, लोगों ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया, लोगों ने इसको स्थानीय मुद्दा बनाया और ट्रांसफ़र कर दिया। इस बार पहले राष्ट्रवाद है, बाद में पार्टी है, इंडिविजुअल कैंडिडेट तीसरा है, कैंडिडेट के अनुसार तो बहुत लोग हार जाएं, लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजना, योगी जी की लोक कल्याणकारी योजना और अपना संगठन के परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना अब खुशबू दे रहा है। तो मुझे तो लगता है मोदी जी हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा गांव, गली, खेत, खलिहान कोई मिला नहीं जहां पर 5 साल के बच्चे से 80 साल के आदमी ने मोदी मोदी ना कहा हो। फिरोजाबाद में आपका कैंडिडेट डमी बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि शिवपाल जी ने तय किया है, वहां आप मेहनत कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां का टिकट जिले से, शहर से, क्षेत्र से, प्रदेश से, राज्य से होकर जाता है,
यहाँ यूपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यहाँ दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, छन के जाता है। दूसरी पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की टिकट तय नहीं कर सकता है। आगरा में एक और चुनाव उत्तर कार्यक्रम घोषित हो चुका है, 19 को मतदान है। निश्चित तौर से आगरा उत्तर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनिंदा सीटों में से एक है। जगन जी का विगत 5 चुनाव जीतना ही इस बात का परिचायक है और उनकी असामयिक मृत्यु से एक सहानुभूति की लहर भी है। और ये चूंकि बाई इलेक्शन है, लोग श्रद्धांजलि के तौर पर एक वोट जगन जी के नाम निश्चित तौर से देंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। 2 चरण हो चुके हैं, अभी 5 चरण उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की कसौटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा गठबंधन है, कांग्रेस भी कसौटी पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस को अपना जनादेश देती है और पीएम की कुर्सी पर एक बार नरेंद्र मोदी को काबिज करती है या नहीं। अपने साथी अनूप के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।